यहाँ पे कैसे है दूसरी मेथड इटरेटर, ये तो अभी हमने एक्सप्लेन किया पहले, दिस मेथड फेच डेटा फ्रॉम अ कलेक्शन, ये मैंने पहले प्रीवियसली इटरेबल के साथ ही एक्सप्लेन किया है, यस और नॉट। जैसे कि इसका यूज किया डेटा फेचिंग करना है, तो हमने पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तभी दोबारा एक बार फिर से बताता हूँ। मतलब अगर आपको लगा कि मुझे पूरा डेटा एक 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 करके बाहर निकालना है और यूज करना है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इटरेटर ऑफ आई इक्वल टू एल डॉट ऑफ ए इटरेटर, फिर आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं वाई आई डॉट ए हैज नेक्स्ट, फिर आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ओबीजे इक्वल टू आई डॉट ऑफ ए नेक्स्ट। ये समझाया था, यस और नॉट ये स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? राइट। तो ये मेथड क्या करेगी, कलेक्शन से डेटा फेच करेगी। उसके बाद देखिए टू एरे, व्हाट इज दिस, सम टाइम इफ यू वांट टू कन्वर्ट, इफ यू वांट टू कन्वर्ट कलेक्शन एज एरे, देन वी हैव द मेथड नेम एज टू एरे एंड दिस मेथड रिटन ऑब्जेक्ट क्लास एरे। मतलब व्हाट हैपन, अगर आप यहां पे अगर आप आते हैं, तो आप यहां पे ऐसे लिखिए ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल टू एल डॉट टू एरे, व्हाट इज दिस, इससे क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा जो आपका ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिए ये जो पूरा का पूरा जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट एज एरे कन्वर्ट हो जाएगा। Is it clear? Yes or not? ये पूरा का पूरा आपका जो ये है कलेक्शन है एज अ ऑब्जेक्ट के अंदर एरे के अंदर कन्वर्ट होगा। इसके आगे हम यूजेस देखेंगे, बट जस्ट मैं आपको एक जस्ट मेथड का ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए इसीलिए। ये जो मेथड है टू एरे, मैं बाद में समझाता हूँ आपको, एड हो गया रिमूव, दिस इज यूज फॉर टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम अ कलेक्शन। If element remove, then return a true. Otherwise, return a false. What is this? इसका मतलब ये हुआ है, अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते हैं boolean of a b equals to l dot remove of 100, अगर ये 100 अगर आपका रिमूव हो गया, ये 100 अगर आपका रिमूव हो गया, तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू इफ बी, इसका मतलब क्या है, यहां पे आप ऐसे कहेंगे एलिमेंट रिमूव्ड सक्सेसफुल, है ना, एज एलिमेंट नॉट रिमूव। ऐसा कभी हुआ कि आपने क्या किया, एलिमेंट दिया है, आपने दिया था 1000, बट यहां पे 1000 है ही नहीं, अगर 1000 प्रेजेंट नहीं है तो बी में क्या आएगा प्लीज बताइए, अगर 1000 आपको नहीं मिला तो बी में आपको फॉल्स मिलेगा, तो ये फॉल्स मिला तो यहाँ पे बोलेगा यार ये एलिमेंट नॉट रिमूव, ऐसे आप बोल सकते हैं, ये एक यूज था। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए कंटेंस ऑल, व्हाट इज द कंटेंस ऑल, राइट, सम टाइम इफ यू वांट टू चेक, सम टाइम इफ यू वांट टू चेक और इफ यू वांट टू चेक और इफ यू वांट टू सर्च मोर देन वन एलिमेंट at a time in a collection, then we have the contains all method of a collection interface. कभी अगर ऐसे हुआ कि आपको देखना है कि मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे चेक करना है, तो देखिए अब ये देखिए contains all का सिंटैक्स आप देखिए, contains all का सिंटैक्स देखिए और आप डायग्राम देखिए, मैं आपके लिए जैसे वहां पे फिर से डायग्राम में कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जस्ट वेट, आप कंसेप्चुअली जाइए फिर आपको समझेगा कि ओपी इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं लोग ओपी के लिए, राइट। जैसे आप यहां पे आइए कंटेंस ऑल, जस्ट वेट स्टूडेंट, प्लीज प्लीज माइक्रोफोन, जस्ट वेट प्लीज माइक्रोफोन प्लीज संकेत, यहां पे आप देखिए ये आपके डायग्राम है बराबर, अभी हमने इसे यहां पे लिया बराबर है, अब ध्यान रखिए यहां पे हमने लिखा है,
अभी कंटेंट्स ऑल का सिलेबस, सॉरी इसका आप सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स कैसे है, कंटेंट्स ऑल, और यहां पे किसका रेफरेंस है, कलेक्शन का, इसका मतलब क्या है, कंटेंट्स ऑल के अंदर कलेक्शन का रेफरेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, कौन बता सकता है, प्लीज स्टूडेंट्स। यस प्लीज, कंटेंट्स ऑल के अंदर कलेक्शन का रेफरेंस है, इसका मतलब क्या, प्लीज गाइस, इसका मतलब ये है कि आप कंटेंट्स ऑल के अंदर आप स्टैक भेज सकते हैं, कंटेंट्स ऑल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ये स्टूडेंट्स वेक्टर भेज सकते हैं, कंटेंट्स ऑल के अंदर आप इनमें से किसी को भी भेज सकते हैं, इज इट क्लियर और नॉट, मतलब क्योंकि कलेक्शन सबका पेरेंट है, और अभी अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जहां पे पेरेंट की रेफरेंस आती है वहां पे किसी भी चाइल्ड का रेफरेंस अलाउड हो सकता है या नहीं हो सकता, आपको क्या लगता है, प्लीज स्टूडेंट्स प्लीज। यस, इसीलिए कभी कंटेंट ऑल का फायदा देखिए, अगर आपको लगा कि मुझे दो या दो से ज्यादा वैल्यू एट अ टाइम चेक करनी है प्रेजेंट है या नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, कंटेंट ऑल का आप यूज कर सकते हैं, देखिए कंटेंट ऑल का आप यूज कर सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी सिंपल, राइट। कंटेंट ऑल का यूज कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, पहले हम सिंटैक्स के ऊपर आते हैं, देखिए यहाँ पे यूटिल कलेक्शन है, तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप आइए, इसका रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन ही है, अगर आप यहाँ पे आके चेक करेंगे ऐसे, दूसरा एरे लिस्ट या वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ऑफ वी इक्वल टू न्यू ऑफ वेक्टर, आपने ऐसे लिखा वी डॉट एड 100, वी डॉट एड 300, अब मुझे देखना है कि ये दोनों वैल्यू इसमें प्रेजेंट है या नहीं, मैं ऐसे लिखूंगा बुलियन ऑफ ए बी इक्वल टू एल डॉट कंटेंट्स ऑल, और यहाँ पे वी पास करेंगे। अभी आप मुझे बताएं इस वी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ये जो वी आपका बना है वी के अंदर कितने एलिमेंट है स्टूडेंट्स, हेलो 100 and 300, तो आपको पता है ये क्या करेगा, ये इंटरनली आपके लिए बताता हूँ, ये इंटरनली क्या करेगा, ये इंटरनली ये वी 100 and 300 है, तो इंटरनली ये भी इन दोनों को भी क्या करेगा, चेक करेगा, यस मिलता है ना तो बी में ट्रू रहेगा, नहीं मिलता है तो बी में क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, आई अंडरस्टैंड, यस और नॉट, यस गाइस प्लीज बताइए। सो इस तरीके से हैंडल हो जाएगा, इस तरीके से मैनेज हो जाएगा, दिस इज वेरी वेरी सिंपल, कंटेंट्स ऑल, सेम एड ऑल, वी कैन एड, वी कैन एड more than one values at a time in a collection, नहीं नहीं पूरा का पूरा false, सबके सब match होने चाहिए, remove all, same, this method can use for right, remove more than one values at a time। अब ये जो है ना, ये बाकी के मेथड्स मैं आपको बाद में समझाता हूँ, जब मैं आपको जेडीके 1.8 के बारे में बताऊंगा तब समझाऊंगा, ये जो है ना प्रेडिकेट वगैरह ये बाद में समझाता हूँ, बट जो हमें रिक्वायर्ड मेथड है, आपको इतना क्लियर हुआ, इज इट क्लियर और नॉट, यस स्टूडेंट्स प्लीज, राइट। उसके बाद आप देखिए, ये तो हो गया, उसके बाद फिर देयर आर मेजर थ्री टाइप्स ऑफ कलेक्शंस इन जावा, अभी कल इस डायग्राम में आप आइए, देखिए कलेक्शन का व्यू समझा, फिर इसमें अलग अलग टाइप के तीन कलेक्शन है, लिस्ट है, सेट है एंड क्यू है, इज इट क्लियर, यस और नॉट, जस्ट वेट वेट फॉर वन मिनट, एक कलेक्शन है तीन, लिस्ट सेट एंड क्यू, दीज आर द मेजर थ्री टाइप्स ऑफ कलेक्शन हियर, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, नाउ डिस्कस अबाउट द वन बाय वन कलेक्शन, अभी लिस्ट कलेक्शन देखते हैं, लिस्ट है, सेट और क्यू है, लिस्ट कलेक्शन स्टोर द एनी टाइप ऑफ अ डेटा बट अलाउ द डुप्लीकेटेड डेटा, अलाउ द डुप्लीकेटेड डेटा एंड मैनेज डेटा यूजिंग इंडेक्सिंग टेक्निक, मतलब अगर हम लिस्ट कलेक्शन की बात अगर हम करते हैं तो लिस्ट कलेक्शन के अंदर डुप्लीकेटेड डेटा स्टोर हो सकता है और जो भी आपका डेटा है वो इंडेक्स से मैनेज होता है, राइट। व्हाट इज द सेट कलेक्शन, वी कैन से सेट कलेक्शन स्टोर एनी टाइप ऑफ अ डेटा बट
not allow the duplicated data and manage data using a hashing technique. And what is our queue? We can say queue collection. Right. What is the use of a queue collection? Store any type of a data and maintain the FIFO order. Means first in, first out. Maintain the FIFO order. Right. Means first in, first out. Means insert data at end of the queue. End of the queue. And remove data from beginning. Also allow duplicated data. Right. And manage indexing also. These are the some three types of collections in Java. Right. अभी देखिए हम बात करते हैं लिस्ट कलेक्शन के बारे में. इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी. नाउ डिस्कस अबाउट द लिस्ट कलेक्शन. लिस्ट कलेक्शंस, लिस्ट कलेक्शन के बारे में बात करते हैं. लिस्ट कलेक्शन के बारे में भी हम बात करते हैं. व्हाट इज द लिस्ट कलेक्शन? अभी हमने देखा लिस्ट कलेक्शन कैन स्टोर द एनी टाइप ऑफ अ डेटा एंड मैनेज डेटा बाय यूजिंग इंडेक्सिंग टेक्निक. लिस्ट कलेक्शन कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ अ डेटा and can manage the data by using any type of a store any type of data and manage data by using index. So list collection ke bhi kuch implementer classes ho sakte hote hain. Jaise list ki agar hum baat karte hain, ye list interface hai, iske niche itne classes hai. Major classes dekhte hain, jaise ki stack hai, uske baad mein kya hai, vector hai, uske baad mein array list hai aur linked list hai. ऐसे मेजर चार अलग अलग तरीके के ये चार इंप्लीमेंटर क्लासेस है उसके. चलिए अभी हम क्या करते हैं, मेथड्स ऑफ लिस्ट कलेक्शंस, मेथड्स ऑफ लिस्ट इंटरफेस, मेथड्स ऑफ लिस्ट इंटरफेस. जैसे कि व्हाइल एड, जस्ट वेट, मेथड देखने आप ऐसे लिख सकते हैं. जस्ट वेट, सॉरी, यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं जावा पी जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट. ये मेथड है इसके. एड इंट ऑफ, जितने इंडेक्स वाले मेथड्स हैं, जितने इंडेक्स वाले मेथड ये लिस्ट के हैं. और देखिए क्योंकि लिस्ट किसका चाइल्ड है, लिस्ट इज अ चाइल्ड ऑफ अ कलेक्शन. इसका मतलब क्या हुआ कि जितने मेथड कलेक्शन के अंदर है वो पूरे लिस्ट के है, प्लस एडिशनल मेथड लिस्ट के पास जो इंडेक्स वाले हैं. एड इंट ऑफ इंडेक्स ऑफ ई, दिस मेथड कैन एड द न्यू एलिमेंट इन कलेक्शन ऑन अ स्पेसिफाइड इंडेक्स. ऑब्जेक्ट ऑफ अ गेट इंट ऑफ इंडेक्स, दिस मेथड कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ लिस्ट कलेक्शन using its index. इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं. देखिए अभी अब यहां पे आइए, जितने मेथड कलेक्शन के है ये पूरे लिस्ट के पास है. अगर हम यहां पे ऐसा लिखते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं, int of size equal to l dot of size, देखिए for i equals to 0 i less than size i plus plus. Object of obj equal to al dot get of i. Yes, देखिए i कितना है, 0, 0 less than of 4. देखिए साइज कितना है आपका, साइज 4, 0 less than of 4. Yes, यहां पे आप आइए, object of obj al dot get of i, यहां पे देखिए al dot get of a 0, i 0 है. So, ये देखिए यहां पे जो इंडेक्सेस है, ये गेट मेथड इंडेक्स के जरिए वैल्यू लेती है. एल डॉट गेट ऑफ ए 0, जब आप यहां पे लिखेंगे एल डॉट गेट ऑफ ए 0 जब आप करते हैं, सो ये 0 इंडेक्स वाली वैल्यू आपको मिलेगी. सो वो वैल्यू क्या है आपकी, 100 है. सो आपको यहां पे 100 मिलेगा. फिर से जब आप यहां पे आई प्लस प्लस करते हैं, सो आई प्लस प्लस करने के बाद आपको आई की वैल्यू मिलेगी 1. So, देखिए 1 less than of 4, that is also 2.
सो आपका जो कंट्रोल है यहां पे आएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ एल डॉट गेट ऑफ आई, दैट इज यूर एल डॉट गेट ऑफ वन। यहां पे अगर आप देखते हैं एल डॉट गेट ऑफ वन की अगर हम बात करते हैं, तो एल डॉट गेट ऑफ वन आपको वन वाला इंडेक्स मिलेगा। इस तरीके से आप डेटा फेच कर सकते हैं, दिस इज यूज ऑफ गेट मेथड, राइट। ये हो गया। उसके बाद में देखिए इन एस एन इंट ऑफ एन इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस मेथड चेक वेदर एलिमेंट, दिस मेथड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट फ्रॉम अ कलेक्शन। This method return the index of a specified element from a collection. What is meaning of this? Means, देखिए, this is also used for a searching purpose. इस method का भी use आप searching के लिए कर सकते हैं। देखिए, if element found, then return its index, and if element not found, then return a minus one. देखिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। सर्च कैसे करते हैं, इंडेक्स ऑफ से भी आप सर्च कर सकते हैं, राइट। जैसे मैं बताता हूं, अगर हमने यहां पे अगर ऐसे लिखा, यहां पे अगर मैंने लिखा इंट ऑफ इंडेक्स इक्वल एल डॉट इंडेक्स ऑफ ए 200, अभी आप मुझे बताए इंडेक्स ऑफ 200 का इंडेक्स कितना है, प्लीज स्टूडेंट्स प्लीज बताइए, 1 है। अगर हमने यहाँ पे अगर ऐसे मैंने अगर ऐसे किया होता, ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए अगर हम यहां पे अगर इस तरीके से करते हैं एल डॉट इंडेक्स ऑफ ए 300, सो व्हाट इज वैल्यू फॉर 300 इज नाउ, कितना है, 2 है, 2 है, 2। अभी मान लीजिए मैंने 3000 दिया है, तो 3000 मेरे पास वैल्यू है क्या, नहीं है, तो इंडेक्स में क्या आएगा, माइनस वन आएगा, माइनस वन। एलिमेंट जब नहीं मिलेगा तो माइनस वन, क्योंकि मैंने दिया था 3000, सो 3000 मेरे इस कलेक्शन में नहीं है, तो इंडेक्स के अंदर माइनस वन आएगा। आर यू अंडरस्टैंड, यस। जब माइनस वन मिला इसका मतलब एलिमेंट नहीं है, और माइनस वन नहीं मिला मतलब एलिमेंट है। देखिए, जब एलिमेंट मिलेगा तो आपको इंडेक्स मिलेगा, जब एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा तो आपको माइनस वन मिलेगा। अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इफ इंडेक्स नॉट इक्वल टू ए माइनस वन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल एलिमेंट फाउंड, इज इट क्लियर और नॉट। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट नॉट, देखिए यहाँ पे आप आइए, अभी 300 दिया है तो आपको क्या मिला, 2 मिला। तो यहाँ पे देखिए 2 नॉट इक्वल टू ए माइनस वन, यस इट इज ट्रू, 2 नॉट इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ पे आके बोलेगा आपको एलिमेंट फाउंड हुआ है, इज इट क्लियर और नॉट। यस स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी फीडबैक, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कौन सी मेथड किस काम के लिए यूज की जा सकती है, दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। मतलब आप कंटेंट से भी सर्च कर सकते हैं या आप इंडेक्स ऑफ से भी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, राइट। जैसे इसमें और एक मेथड है इंट सब लिस्ट नाम की, एक मेथड सब लिस्ट इंट ऑफ स्टार्ट इंडेक्स int of n index, this is used for exact or extract the sum specified portion of a collection or some specified values between a two collections, some specified value between a two indexes। जैसे मान लीजिए कि अभी मेरे पास ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, 500 है, उसके बाद में हमने यहाँ पे 600 भी ऐड किया है। इमेजिन थिंक कीजिए, 500 भी ऐड किया है, 600 भी ऐड किया है, ये आपका 500 है, ये आपका 600 है। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे अगर आप लिखते तो आप देखिए आप इस तरीके से कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ लिस्ट एल डॉट क्या लिखेंगे आप, सब लिस्ट 2 to 4 कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों बीच के, इसके दोनों के बीच 2 से लेके 4 तक इतने एक अलग से लिस्ट क्रिएट होगी सब स्ट्रिंग जैसे, और ये इसे पॉइंट करेगा। इज इट क्लियर, यस और नॉट,
ये होता है सब लिस्ट। फिर अगर आपको लगा कि आपके पास कोई पोर्शन चाहिए, आपको कोई डेटा चाहिए तो पर्टिकुलर दोनों के बीच में हो, राइट, ये सब लिस्ट नाम के मेथड है। उसके बाद में ऐसे बहुत सारे मेथड मिलेंगे, हम आगे तो सर्च कर यूज करेंगे सभी। लिस्ट इटरेटर नाम का एक है, लिस्ट इटरेटर, दिस इज यूज फॉर फेच डेटा फ्रॉम अ लिस्ट कलेक्शन इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसे बहुत सारे मेथड मिलेंगे। फिर देखिए लिस्ट के अंदर इतने इंप्लीमेंटर क्लासेस हैं, राइट, जैसे कि स्टैक है, वेक्टर है, लिंक लिस्ट है, एरे लिस्ट है, सभी क्लासेस हैं। तो ये बाकी के क्लासेस हम कल देखते हैं, चलेगा? यस स्टूडेंट्स प्लीज।